तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल। और क्या हालचाल, आयो क्या सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार, आज के स्केटिंग लेसन में मैं आपको स्पीड स्केटिंग सिखाने वाला हूं, जो कि थोड़ा डिमांडेड लेसन आया हुआ है। मतलब बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आए थे कि भाई स्पीड स्केटिंग के ऊपर में एक वीडियो बना दो, मतलब फुट स्टेप क्या रहना चाहिए, हमारा बैलेंस नहीं बन रहा है, स्पीड में स्केटिंग कैसे करें, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए थे। तो फाइनली आज मैं स्पीड स्केटिंग का लेसन लेकर आ ही गया हूं। और हां गाइस, आज के लेसन में मैं आपको स्केटिंग करते वक्त जो बिगनर्स गलतियां करते हैं स्पीड स्केटिंग करते वक्त, वो भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ उन गलतियों को सुधार कैसे वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करता हूं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं इनलाइन स्केट के ऊपर में स्पीड स्केटिंग। तो गाइस, सबसे पहली गलती जो हर बिगनर स्पीड स्केटिंग करते वक्त करता है वो है फुट की पोजीशन, पैरों की पोजीशन, जिसमें वो गलती करता है। तो क्या गलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको सही से समझ में आएगा, और उसको कैसे सुधारना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहली गलती जो बिगनर लोग करते हैं स्पीड स्केटिंग करते वक्त, वो जिस हिसाब से वो स्केटिंग सीखते हैं, चलाना सीखते हैं, उसी हिसाब से वो स्पीड स्केटिंग करने की भी कोशिश करते हैं। मतलब वी शेप में अपने पैरों को रखते हैं और फिर वी शेप में ही वो स्पीड में भी स्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपको स्पीड स्केटिंग करते वक्त वी शेप में अपने पैरों को रखते हुए इस तरह से स्केट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फटाफट पैर भी उठाने पड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है, क्योंकि आपके जो पैर है वो ज्यादा फैल जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं वी शेप में अपने पैरों को रखना तो मना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप पुश लेते हो ना, तो आपको इस तरह से वी शेप में तो रखना ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस पैर से पुश ले रहे हो उसको आपको हाफ वी बनाना है, मतलब इस तरह से रखना है, और जो सामने वाला पैर है इसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है, और फिर जो है आपको इससे लेनी है कुछ इस तरह से, और ये वाला जो पैर है वो स्ट्रेट जाना चाहिए, ना कि इस तरह से तिरछा इधर जाना चाहिए। तो आपको स्ट्रेट ले जाने की कोशिश करना है आगे वाले पैर को। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप स्केटिंग करते हो, स्टार्ट करते हो, स्पीड पकड़ते हो, तब आप भले इस तरह से वी शेप में रख सकते हैं और फिर इस तरह से चल सकते हैं, और फिर जैसे स्पीड पकड़ लेते हैं फिर आपको इस पोजीशन को ध्यान देना है कि आगे वाला पैर जो है वो स्ट्रेट जाए और पीछे वाला पैर तिरछा रखकर आप पुश कर सकें। तो गाइस, यही गलती थी जो कि बिगिनर लोग करते हैं स्पीड में स्केटिंग करते वक्त, मतलब बाहर की ओर पैर ले जाते हैं वी शेप में पैर को रखते हुए, तो आपके जो पैर है ज़्यादा फेल के चलते हैं कुछ इस तरह से, और आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। तो जब मैंने आपको जो टेक्निक बताई, अगर आप वाली यूज़ करोगे तो आपकी जो पैरों की मूवमेंट रहेगी और पोजीशन रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी। तो यहाँ पर जो है आप इसे स्पीड में भी ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पर आपका बैलेंस वगैरह बिगड़ने का भी चांस नहीं रहने वाला है। तो आप इस तरह से पोजीशन, ये वाले पैरों की पोजीशन रखना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गाइस, मैंने आपको पैरों की पोजीशन तो बता दी है किस तरह से रखना है, सही तरीके से स्पीड में भी आप कैसे रख सकते हैं और कंट्रोल में रह सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि पैरों की मूवमेंट क्या रहेगी, वही मेन रहने वाली है। पुश किस तरह से लेना है, सही तरीके से किस तरह से लेना है, प्रॉपर वे में फुट स्टेप क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पर अब आपको मैं पैरों की मूवमेंट बता रहा हूँ, तो पैरों की मूवमेंट में जो पुश लेना है ना, वही मेन रहता है यहाँ पर स्पीड स्केटिंग करते वक्त। तो जब आप पुश लेते हो, तो बिगनर लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह से पुश ले लिया, उसके बाद में जो है वापस इसी तरह से लाकर रख देंगे पैर को, यहाँ इस पैर से पुश ले लिया फिर वापस इसी तरह से लाकर रख देंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, इस तरह से पुश लगकर और फिर वापस सेम पोजीशन लाकर नहीं रखना है, मतलब पोजीशन तो वही रहेगी लेकिन सेम मूवमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने पैर को राउंड मारने की कोशिश करना है, कुछ इस तरह से पुश लिया, फिर इस पैर को आपको थोड़ा पीछे ले जाना है, फिर वापस इस तरह से लाकर रखना है, और फिर इस पैर से भी पुश लिया, फिर इस पैर को वापस पीछे ले जाना है, फिर इस तरह से लाकर रखना है। तो यहाँ पर जो है एक राउंड मारने की कोशिश करना है आपको इस तरह से पुश करते वक्त। तो ये जो मूवमेंट है स्पीड में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी बैलेंस रहकर स्केटिंग करने में, तो ये आपको चीज आनी ही चाहिए। आपको यही मूवमेंट की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से पैरों को राउंड मारने की। और आप चाहो तो इसे स्टैंडिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको लगे वैसा, या फिर बिना स्केट शू के भी आज इसे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपको कंफर्टेबल ना लगे, मतलब परफेक्ट ना हो जाए इस तरह से राउंड मारने में। और आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरह से या पैरों पर बैलेंस बनाने की भी प्रैक्टिस कर ही लेना, इस तरह से जब तक आप पैर राउंड मार के वापस लाकर उसी पोजीशन में ना रख दो, तब तक आप अगले पैर पर बैलेंस बनाने की अच्छे से कोशिश करना। तो गाइस, अब आती है तीसरी चीज़ जो कि है हैंड मूवमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीड स्केटिंग करते वक्त, क्योंकि इसी से आपका जो पूरा बॉडी बैलेंस बना हुआ रहता है। और बिगनर लोग यही गलती करते हैं कि वो हैंड मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब अपने हाथों को मूवमेंट नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपकी हैंड मूवमेंट रहेगी और किस तरह से आपको करना है। हैंड मूवमेंट तो नॉर्मली रहती है, जैसे आप वॉकिंग करते हो, नॉर्मल चलते हो, उसी टाइप से रहती है, मतलब ये वाला पैर आगे जाएगा तो ये वाला हाथ आगे जाएगा, और ये वाला पैर आगे जाएगा तो ये वाला हाथ आगे जाएगा। तो यही हैंड मूवमेंट रहने वाले हैं, लेकिन आप जब स्केटिंग करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा ले जाना पड़ता है इस तरह से, और यहाँ पर
जो है आपका हाथ इस तरह से मत ले जाना, इस तरह से मतलब नहीं ले जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला हाथ इस तरह से आएगा, इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए, आपके सेंटर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूं यूं चल रहे आप इस तरह से चल रहे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका मूवमेंट रहना चाहिए, सामने की ओर अपना हाथ थोड़ा रखना चाहिए। तो इस तरह से आपकी हैंड मूवमेंट रहेगी। ये तो सिंपल था वैसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको हैंड मूवमेंट जरूर से सीखनी ही चाहिए। तो एक बार स्केटिंग करते हुए बता देता हूँ किस तरह से आपकी हैंड मूवमेंट रहती है। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो है बिगनर लोगों की क्या गलती रहती है कि वो हैंड मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनको स्पीड में स्केटिंग करने में दिक्कत भी आ जाती है और यहाँ पर दिखने में भी बहुत ही बेकार लगता है इस तरह से अगर आप स्केटिंग करते हो तो। लेकिन जब आप इस तरह से अपने हैंड मूवमेंट को एकदम परफेक्ट शेप में करने लग जाते हो, परफेक्ट मूवमेंट करने लग जाते हो, तो यहाँ पर जो है दिखने में भी कूल लगता है और आप स्पीड में स्केटिंग करोगे तो आपको बैलेंस बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो आपको हैंड मूवमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप स्पीड में स्केटिंग करो तो आपका बैलेंस वगैरह ना बिगड़े। गाइस, आपको मैंने हैंड मूवमेंट बता दी है, पैरों की मूवमेंट बता दी है, पैरों की पोजीशन भी बता दी है, सब बता दिया है। लेकिन अभी मेन चीज़ जो आती है वो है बॉडी की पोजीशन, मतलब बॉडी किस तरह से रखना है स्केटिंग करते वक्त। तो स्केटिंग करते वक्त आपको खड़े खड़े स्केट नहीं करना है, आपको जो है कमर से भी बेंड होना है और घुटने से भी बेंड होना है, कुछ इस तरह से ज़्यादा बेंड होने की कोशिश करना है जब आप स्पीड में स्केटिंग करते हो। तो इससे जो है आपका कंट्रोल जो है वो ज़्यादा बना हुआ रहता है, अच्छा बना हुआ रहता है, मतलब कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी रहती है जब आप स्पीड स्केटिंग करते हो। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से झुक कर रखना है और जो घुटने हैं और शोल्डर है वो एकदम बराबर होने चाहिए। शुरुआत में आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बस इससे बराबर ही रहना चाहिए। आप जब अच्छे से सीख जाओगे, स्पीड में स्केटिंग करने लग जाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा झुक सकते हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी झुक सकते हैं आगे की ओर, घुटने से भी आगे जा सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन शुरुआत में जो है एक बताने लायक मैं बता रहा हूँ कि आपके जो शोल्डर और घुटने हैं वो दोनों ही मैच खाने चाहिए, इस तरह से इतना तो बेंड होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको बेंडिंग पोजीशन में रहते फिर आपको स्केटिंग करना है। तो यहाँ पर जो है आपकी स्पीड भी अच्छी बन जाएगी ज्यादा बेंड होकर चलाओगे तो, और आपका जो बैलेंस है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और कंट्रोल में रहोगे, आपको भी लगेगा ऐसा। लेकिन अब बार शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि इस तरह से अगर आप स्पीड में स्केटिंग करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप बार बार करा करोगे तो आपको आदत बन जाएगी और फिर आपके लिए बेस्ट पोजिशन बन जाएगी झुक कर चलाना। तो स्पीड स्केटिंग के लिए झुक कर चलाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये पोजिशन आपको लेना ही चाहिए झुक कर चलाने की। तो देखो गाइस, अगर आप बिना झुके इस तरह से स्केटिंग करते हो, भले आपका हैंड मूवमेंट सही हो, पैरों का मूवमेंट सही हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी आपका जो है यहाँ पर लुक सही नहीं दिखेगा स्केटिंग का और आपका जो बैलेंस है वो भी सही नहीं रहेगा स्पीड स्केटिंग करते वक्त। लेकिन जब आप झुक कर स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो बैलेंस है वो भी बेस्ट बनने लग जाएगा और आप दिखने में भी कूल लगोगे, मतलब इस तरह से अगर आप झुक कर स्केटिंग करते हो तो। और जब आप झुक कर स्केटिंग करोगे तो आपको बैलेंस सही रहेगा, उबड़ खाबड़ या फिर कुछ कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं तो आप तुरंत संभल भी सकते हैं। और इस तरह से झुक कर स्केटिंग करते वक्त जब आप स्पीड में अपने हाथों पैरों की मूवमेंट करोगे तो आपको बैलेंस बनाने में भी हेल्प रहेगा और ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो गाइस, मैंने आपको जितनी भी स्टेप्स वगैरह बताई है और जितनी भी गलतियां बताई है जो कि बिगनर लोग करते हैं, अगर आप उन गलतियों को सुधार लेते हो और मूवमेंट्स को फास्ट में करते हो तब आप यहाँ पर स्पीड में स्केटिंग कर पाओगे। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आप इजीली यहाँ पर स्पीड स्केटिंग सीख जाओगे। तो गाइस, यही कुछ गलतियां और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और फिर आपको स्पीड में स्केटिंग करने की कोशिश करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए स्पीड में स्केटिंग करोगे तो आप आसानी से स्पीड में स्केटिंग करने लग जाओगे और इजीली कर लोगे, मतलब आपका जो बैलेंस वगैरह है वो भी बिगड़ेगा नहीं और ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो इन्हीं चीज़ों के कारण आपकी स्केटिंग वगैरह हो नहीं पाती है, स्पीड में भी आपका जो पैर है ज़्यादा फैल जाते हैं या फिर हैंड मूवमेंट नहीं होने के कारण या फिर पैरों की पोजीशन या फिर मूवमेंट वगैरह सही से नहीं होने के कारण आपका जो बैलेंस नहीं बनता है और स्पीड में स्केटिंग नहीं कर पाते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्पीड स्केटिंग करोगे तो आप आसानी से स्पीड में स्केटिंग कर लोगे। और हाँ गाइस, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए एक एक्सरसाइज भी बता दूंगा, मतलब एक प्रैक्टिस के टाइप में किस तरह से करते रहना है जब भी आप स्केटिंग करने जाओ तब किस तरह से करना है, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा अगर आप चाहो तो। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए या फिर इसी तरह से नए स्केटिंग लेसन लाते हुए। तो बाय गाइस।